आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में सिम टू में मैसेज नहीं आ रहा है, सिम टू में मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आएगा, तो ये मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करिए। ऊपर ये सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो आप ये सिम टू पे क्लिक करिए। ये इनेबल अगर आपका बंद है तो ये इनेबल ऑन करिए, इसे चालू करिए। इसे चालू करने के बाद नीचे ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये 2G या फिर ये 3G सेलेक्ट है तो ऊपर ये 4G सेलेक्ट करिए, 4G पे क्लिक करिए। ये करने के बाद बैक आइए, अब सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आकर ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर ऐप मैनेजमेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। या फिर आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा, तो इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में मैसेजेस आएगा या फिर आपके मोबाइल का मैसेज ऐप आएगा, तो ये मैसेजेस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये 4 से स्टॉप करिए, नीचे फिर से 4 से स्टॉप करिए, और नीचे ये स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए। नीचे क्लियर कैशे करिए, ऊपर ये क्लियर डेटा करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा या फिर आपके फ़ोन से कोई मैसेज डिलीट नहीं होता है। तो अब बैक आइए, ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और अब चेक करिए आपके सिम टू में मैसेज आ रहा है या फिर रिसीव हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।